झाबुआ में जश्न ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। इसे ईद मिलाद नबी और 12 फवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत खास होता है। इस अवसर पर आज बामिया मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी जुलूस मोहम्मद सदर हुसैन खान और इमाम निसार अहमद के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निजामी चौक से निकाला गया। जुलूस में डीजे पर नाते रसूल बज रही थी। समाज के युवा, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में इस्लामी झंडे लिए झूमते हुए चल रहे थे। जुलूस के दौरान जगह जगह समाजजनों के द्वारा जुलूस में शामिल बच्चों को फल, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि वितरित किए गए और अमरगढ़ रोड पर नूर अफजल मंसूरी द्वारा जुलूस में शामिल इमाम साहब का हार फूल पहनाकर एवं सभी समाजजनों को इत्र लगाकर इस्तकबाल किया गया। जुलूस नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ मेन चौराहे पर पहुंचा, जहां पर जोरदार आतिशबाजी की गई। जुलूस का समापन निजामी चौक पर हुआ, जहां पर सलातों सलाम पढ़ी गई, जिसके बाद वतन में अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई। चौकी प्रभारी द्वारा इमाम साहब से निवेदन किया गया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की करवाई गई, जिसका सभी मुस्लिम समाजजनों द्वारा करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया। चौकी प्रभारी श्याम कुमावत के नेतृत्व में समस्त पुलिस स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। झाबुआ से आरिफ मंसूरी की रिपोर्ट।